हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर देवाशीष। अभी आपको मैं बताऊंगा कुछ हिप की एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सरसाइज, जिससे हम हिप जॉइंट को एकदम नॉर्मल रख सकते हैं। ये चार एक्सरसाइजेस हैं। आई स्टार्ट विद द पेशेंट। आप ध्यान से देखिए। नंबर वन एक्सरसाइज, आपको पैर को सीधा ऊपर उठाना है हवा में, करीब 45 डिग्री के करीब। पंजे को अपनी तरफ खींचना है, रोक के रखिए। 10 सेकंड के लिए आपको इसी पोजिशन पर रखना है और धीरे धीरे आपको इसको नीचे ले लेना है। सेम एक्सरसाइज आपको दूसरी साइड में भी रिपीट करनी है। पंजे को ऊपर अपनी तरफ खींच के रखें, रोक के रखें 10 सेकंड के लिए। ध्यान रखें ये डिग्री कम 45 डिग्री से ज़्यादा ना हो या उससे कम भी ना हो। ये आपकी एक एक्सरसाइज है जिसको आपको 10-10 सेकंड 10 बार करके रिपीट करना है दोनों साइड में एक के बाद एक। सेकेंड एक्सरसाइज वो भी अगेन बहुत ईजी है, जिसमें आपको लेटे लेटे पैर को एक पैर को बाहर की तरफ लेके जाना है। उसको इसी पोजिशन में रोक के रखिए, 10 तक गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और दोबारा वापस ला के अपनी जगह पर रखिए। सेम एक्सरसाइज आपको दूसरी तरफ भी रिपीट करनी है। इसी तरह से पंजे को अपनी तरफ खींच के रखिए, रोकिए 10 सेकंड के लिए, फिर उसे वापस अंदर ले जाइए। इस एक्सरसाइज को भी 10 सेकंड और 10 बार रिपीट करना है। थर्ड एक्सरसाइज, इसके लिए करवट ले लीजिए। ये भी काफ़ी ईजी एक्सरसाइज है। इसमें केवल आपको साइड वाइज पोजिशन में लेटना है और अपने एक पैर को ऊपर 45 डिग्री तक उठा कर रखना है और करीब 10 सेकंड के लिए रोकना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रख लीजिए। सेम आपने उल्टी तरफ भी करना है। ये थी आपकी तीसरी एक्सरसाइज। और आखिरी एक्सरसाइज के लिए आपको पूरी तरह उल्टा पेट पर ले जाना है चेतों के। इस एक्सरसाइज में आपको घुटने को बिना मोड़े पूरे पैर को हवा में उठाना है एक एक बार करके। पहले राइट साइड में 10 सेकंड के लिए रोक के रखिए, फिर धीरे धीरे से नीचे ले जाइए, फिर लेफ्ट साइड में धीरे धीरे ऊपर लेके जाइए। घुटना मोड़ना नहीं है आपको और जस्ट इसी पोजिशन में रोक के रखना है, धीरे धीरे नीचे ले जाइए। ध्यान रखिए किसी भी एक्सरसाइज को आपने झटके लेके नहीं करना है, आराम आराम से ऊपर उठाना है और आराम से ही नीचे लेना है। थैंक यू।